वासुकी नागदेवता गणेशपुर और वासुकी नागदेवता हीना। अभी ये शुरू हो गया सभी लोग। अभी हम बैठे हैं पंडाल के अंदर, काफी भव्य एवं दिव्य व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा हुस्न। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज है कुछ मौसम इस प्रकार, और मैं ब्लॉग तो ये बादल छाए हुए हैं, आगे तो पूरी धुंध लगी हुई है, कामर कुछ भी नहीं दिख रहा है कामर में। और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ आज सुबह 7:30 बजे से, और आज हम जा रहे हैं गणेशपुर नागडोली के साथ, क्योंकि वहाँ पे सप्ताह है। तो हमारे गांव की वासुकी नाग देवता की डोली भी गणेशपुर जा रही है, और ये कुछ अभी का नज़ारा, और डोली आ गई है। हमारे भाई लोग गए थे शिवालय प्रांगण में, आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं। अभी लोग आए नहीं हैं, सब लोग रास्ते से जुड़ते जाएंगे। ये हमारे गांव के फेमस झुमरिया प्रमोद भाई, फ्रेंड झुमरिया, जय नागदेवता की जय। आज इस तरह का है कि ये देखिए गणेशपुर से भी लोग आ गए हैं, भाई लोग हमारे जो देवता के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, ये देखें सभी लोग। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है बारिश का, काफी अच्छा मौसम। दोस्तों देखिए हम मार्केट में पहुंच चुके हैं सभी लोग, भाई लोग हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं एक एक करके आ रहे हैं सभी लोग। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सभी लोग आ गए हैं, अमीर हमारे। ये कुछ हमारा मार्केट का दृश्य कुछ इस तरह का, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। देखिए दोस्तों मौसम हसीन से भरा, हमारा पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, और आप सभी का प्यार हमारे साथ ऐसा ही बने रहे जैसा इस मौसम का भी मन रखा है हमारे साथ, ठंडा सा एकदम बढ़िया सा मौसम, इतना मस्त हो रखा है आज, मजा आ रहा है। यहाँ से कुछ सिरोर गांव का नजारा आप देख सकते हैं, कितना मस्त लग रहा है गाइस, अभी मौसम भी खुल रहा है धीरे धीरे। और ये सभी लोग हमारे गांव के, ये गाड़ी भी आए आगे वेट कर रहे हैं हमारे सारे बड़े भाई लोग, छोटे भाई लोग। हम
पहुंच गए अभी नेताला के पास, और ये कुछ यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। हम नेताला मार्केट में पहुंच गए, पूरा नेताला मार्केट है, और डोली भी आ रही है पीछे से। ये नेताला मार्केट, अभी नागडोली पहुंच गए नेताला के पास। ये कुछ अभी का सीन, अभी हमने झुमरे ला दिया है, झुमरे आ चुके हैं हमारे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए गणेशपुर, और मजा आया बहुत, और आज मौसम भी अच्छा है। अभी जाएंगे कलश यात्रा में और दिखाएंगे आपको आगे का व्यू, क्योंकि अभी और भी नागडोलियाँ आई हैं, तो देखते हैं कहां कहां की नागडोलियाँ आई, तो मिलते हैं आगे कलश यात्रा में। वासुकी नागदेवता गणेशपुर और वासुकी नागदेवता जी ना, ये है पंडाल जहाँ पे सत्ता होगा, और ये सभी लोग अभी आ गए हैं।
रहा है, गंगा जी के तट पे हो रहा है, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा कलश यात्रा के लिए। और अभी आसमान भी साफ हो गया है, धूप निकल गई है, आप देख सकते हैं थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं, और ये कुछ अभी का नज़ारा। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गंगा जी के तट पे, और नाग डोलियों का स्नान करके उसके बाद प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे जो सत्ता हो रहा है वो बिल्कुल गंगा जी के किनारे ही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे पंडाल, और सभी लोग आ गए हैं, गंगा स्नान करेंगे उसके बाद जाएंगे कथा श्रवण करने। और ये कुछ अभी का नज़ारा, इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेदानि दधे पदम् समुदमस्याप वंशुरेश्वाः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। पूजयामि गंध आखत पुष्पम समर्पयामि। ओम गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परात गुरुवे नमः, परमेश्वर गुरुवे नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अभी हम बैठे हैं पंडाल के अंदर, काफी भव्य एवं दिव्य व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और ये सभी लोग बैठ गए हैं। Thank you.
समस्त संत भगवान जय जय श्री राधे। यहाँ पर प्रसाद वितरण चल रहा है, सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। ये यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है, वही लाइन लगी हुई है। यहाँ पे व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई। भोजन वितरित हो रहा है, भोजन चल रहा है। आज का प्रसाद ले लिया है, अभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। फाइनली दोस्तों आज की कथा हो गई है समाप्त, और अभी हमने भोजन किया, और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, भाई लोग जा रहे हैं गांव, तो भाई लोग अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और तो मैं निकलता हूँ अभी उत्तरकाशी मार्केट के लिए, तो मिलते हैं आपको आगे। कुछ हफ्ते में जा रही है, और जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मेरे को उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करें।